हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस कैसे आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के हर क्वेश्चन हर साल नीट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस और हैडी बेम्बर प्रिंसिपल से पूछा जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में आप डायरेक्टली को ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। उस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक है, जिसको मैंने सॉल्व बाय सॉल्व मैंने बताया, पहला है कि आप उसको देखें कि कहीं उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं हो रहा है। सेकंड, फिर आप उसमें चेक करें कहीं उसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, ऑटोसोमल लिंक पेडिग्री तो नहीं है। देन आप चेक करें कहीं वो सेक्स लिंक पेडिग्री तो नहीं है। सपोज़ जैसे ये आपको दे दिया गया, अगर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन बन के आती है जिसमें मेल पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है बट उसकी एक भी प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है। आई रिपीट, अगर उसकी मेल पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है लेकिन उसकी एक भी प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है, केस फर्स्ट। केस सेकंड में, अगर फीमेल जो है वो अफेक्टेड है लेकिन अगर उसकी सारी की सारी प्रोजनी उसके साथ अफेक्टेड हो रही हैं। पहला केस, अगर मेल जो है पेरेंट वो अफेक्टेड है और उसकी एक भी प्रोजनी अफेक्टेड नहीं है। सेकंड, फीमेल पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है लेकिन और उसके साथ साथ उसकी सारी प्रोजनी भी जो आगे आ रही हैं वो अफेक्टेड हैं। तो इस टाइप में आपको पता चल जाएगा तुरंत, आपको उसमें कुछ नहीं सर्च करना है कि ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड, सीधा आपको कहना है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाली पेडिग्री है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाली पेडिग्री मतलब अगर मेल अफेक्टेड है और एक भी उसकी प्रोजनी अफेक्टेड नहीं दिख रही है पेडिग्री में तो साइटोप्लाज्मिक। अगर उसकी फीमेल जो पेरेंट है वो अफेक्टेड है उसके साथ साथ उसकी सारी की सारी जो है प्रोजनी वो भी अफेक्टेड है तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पेडिग्री आपके सामने दी गई है। चलिए सेकंड हम आपको देखते हैं, इसके बाद हमको चेक करना है अगर ये साइटोप्लाज्मिक नहीं दिख रही है तो उसके बाद हम जाएंगे जिसको चेक करने वो है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में दो प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट वन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव को आप कैसे चेक करें? देखिए, अब बात ये आती है कि मेंडल ने कहा था कि देखिए तीन प्रकार के हमारे अंदर जेनेटिक फॉर्म बन सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए। ये दोनों डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो अफेक्टेड होगा उसको हम कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए से डोनेट करेंगे। आई रिपीट, कैपिटल ए स्मॉल ए से डोनेट करेंगे। लेकिन मोस्टली हम इसमें इसको कैपिटल ए जो पेरेंट होता है उसको हम कैपिटल ए से ही लेते हैं अगर हो, बिकॉज इसमें अल्टरनेशन जनरेशन नहीं होता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए हम नहीं ले सकते, अनअफेक्टेड स्मॉल ए। आई रिपीट, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो अफेक्टेड के केस में कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और अनअफेक्टेड के केस में स्मॉल ए होगा। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव आता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव में कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल रहेगा जबकि स्मॉल ए अनअफेक्टेड रहेगा। ये था ऑटोसोमल चेक करने का। इसके बाद आता है कि आपको एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड हो सकती है या फिर वो बाई लिंक्ड हो सकती है, तो ये कैसे चेक करें? तो देखिए, एक्स लिंक बाई लिंक्ड में आपको सीधा देखना है अगर मेल देखिए पेरेंट अफेक्टेड है देन उसके केवल मेल अफेक्टेड है। अगर मेल अफेक्टेड है तो उसके सारे मेल जो होंगे वो आगे अफेक्टेड आएंगे। देखिए, तो सीधी बात है, अगर बाई लिंक्ड है सेक्स लिंक में भी एक्स लिंक्ड या बाई लिंक्ड, तो बाई लिंक्ड होगा तो उसका अगर मेल पेरेंट अफेक्टेड है तो आगे चलने वाली जितनी भी मेल प्रोजनी होंगी वो सारी की सारी अगर अफेक्टेड दिख रही होंगी तो वो है। अगर मेल पेरेंट है अफेक्टेड और एक भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, एक भी बच्चे अफेक्टेड नहीं है तो वो साइटोप्लाज्मिक हो गया। लेकिन अगर मेल अफेक्टेड है उसके साथ साथ उसके आने वाले जितने भी मेल हैं उसकी प्रोजनी में वो भी अफेक्टेड है तो इस केस को हम कह सकते हैं कि वो बाई लिंक्ड रिसेसिव है। अब बात करते हैं एक्स लिंक में फिर दो आ जाते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट में XDXD और XDX अफेक्टेड, नॉर्मल XX नॉर्मल है, जबकि XDX ये जो हमारा ये है ये हमारा कैरियर हो जाता है। उसके साथ फिर हम बात करें मेल की। चलिए, अब मेल की बात करें तो मेल XY होता है, तो XDY मेल अफेक्टेड, नॉर्मल XY मेल जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो ये हो गया XD डोमिनेंट। रिसेसिव में XCXC अफेक्टेड होगा, XCX नॉर्मल बट कैरियर, और XX नॉर्मल रहेगा। तो ये आपको इसमें चेक करने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आपको चेक करने हैं, ये केवल रूल्स हैं कुछ जो आप अगर याद रखेंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि
अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट आया तो कैपिटल ए स्मॉल ए जो होगा वो अफेक्टेड होगा, और ऑटोसोमल रिसेसिव में यही दोनों नॉर्मल बन जाएंगे। तो ये था आपका चेक करने का कि वाई लिंक्ड कैसे है। अगर मेल पेरेंट अफेक्टेड तो आने वाली सारी प्रोजेनी अगर मैं जितने भी मेल हैं वो अफेक्टेड दिखा रहे हैं तो वो वाई लिंक्ड हो गया। साइटोप्लाज्मिक इंटेंस आपको मैं बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको पता चले। हमारे सामने एक पेडिग्री दी गई है, पेडिग्री एनसीईआरटी की है। देखिए अब कितनी जल्दी ये पेडिग्री सॉल्व होगी। सबसे पहली बात आप लोग देखिए इसमें कि ये हमारी जो साइटोप्लाज्मिक हो सकती है या नहीं। सबसे पहले देखिए कि ये जो हमारी ये वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाली हो सकती है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाली नहीं हो सकती। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्यों नहीं सकती, क्योंकि इसमें मेल अफेक्टेड भी नहीं है, फीमेल अफेक्टेड भी नहीं है, और इसके आगे की प्रोजेनी भी हमको अफेक्टेड दिख रही है। अब इसके बाद आता है केस कि आप इसमें देखिए कि ये ऑटोसोमल है कि नहीं। ऑटोसोमल में पहले हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेट। ऑटोसोमल डोमिनेट का मतलब ये दोनों अनअफेक्टेड, मतलब स्मॉल ए लेना है, स्मॉल ए लेना है। अगर ये दोनों अनअफेक्टेड हैं, अगर हम इस पेडिग्री को ऑटोसोमल डोमिनेंट प्रेजेंट में ले रहे हैं तो ऑटोसोमल में जो अनअफेक्टेड होते हैं वो स्मॉल ए। तो हमने इसको भी हमको स्मॉल ए लेना पड़ेगा, इसको भी स्मॉल ए लेना पड़ा। जब दोनों को हमने स्मॉल ए ले लिया तो ये अफेक्टेड कैसे आ गए, क्योंकि अब सबसे स्मॉल ए वाले बनेंगे। तो ये अफेक्टेड कैसे आ गया, अफेक्टेड है कि मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो हो नहीं सकता। अब ये अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होना चाहिए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में जो अफेक्टेड होते हैं वो स्मॉल ए हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रहा होगा वो कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, जैसे ये कैपिटल ए अनअफेक्टेड, स्मॉल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए अनअफेक्टेड, स्मॉल ए अफेक्टेड, और कैपिटल ए अनअफेक्टेड। तो ऐसे आपको उन्हें इससे डायरेक्टली चेक हो गया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव प्रोजेनी आप